हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G24 पावर फ़ोन है, तो मोटो G24 पावर फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस को आप कैसे ऑन कर सकते हैं अपने मोटो G24 पावर फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे ऑन कर पाएंगे मोटो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करके आप किसी भी नंबर्स की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शोर हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है फ़ोन आइकन्स। तो फ़ोन आइकन्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो फ़ोन आपका इस कुछ तरीके से आपके जो फ़ोन आइकन्स की सेटिंग्स से आइकन्स वगैरह इस तरीके से शो हो जाते हैं, जिसमें से आप अपने फ़ोन में जो भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी नंबर्स की रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए आपको 3 डॉट पे जाना होगा। 3 डॉट पे जाते ही आपके पास सेटिंग ऑप्शन से शो हो रहा है, जिसको आप ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस पे ऑन करते ही आपके पास ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है शो हो रहा है, जिसको आपको इस पे टैप करना है। और टैप करते ही ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, जहाँ से आप अननोन नंबर्स की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सिंपली इसको ऑन कर देंगे तो ऑन करते जो भी रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और रिकॉर्ड होती जो भी रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में सेव भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और साथ में ही देख सकते हैं कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी, यानी आप किसी भी नंबर्स या कॉन्टैक्ट नंबर्स की रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। सिंपली बस आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स को इस तरीके से ऐड कर लेना है, और ऐड होते ही इस नंबर्स की रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो इस तरीके से आप नंबर्स ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस को इनेबल या ऑन कर सकते हैं, और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं मोटो फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।